और देखो वो पूरा टूट गया। शुक्र हुआ कि उधर नहीं गया, वरना वो घर पे भी खतरा आ सकता था। बहुत ही ज़्यादा भाग हो चुका है, कोई जाने की स्थिति नहीं है। तो ट्रक भी पूरा वापस हो रहा है, सब लोग सब पकाते हुए देखते हुए, और लोगों के चेहरे पर देखिए क्या उत्साह दिख रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एडवेंचर हो गया पूरा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि आज सुबह जैसे ही मैं साइकिलिंग पे निकला, जैसे हम साइकिलिंग पे निकले और थानों वाली रोड पे गए, तो आगे जाके मुझे लैंडस्लाइड मिला, और बहुत ही खतरनाक वाला लैंडस्लाइड, क्योंकि कल रात को देहरादून में बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश हुई। देहरादून में क्या मतलब, आप मुझे ये नहीं पता देहरादून में हुई, लेकिन हमारे एरिया में रायपुर में तो इतनी भयंकर बारिश हुई कि मैंने अभी तक पूरे सीज़न की सबसे खतरनाक वाली बारिश देखी। और अभी देखिए मौसम कितना सही साफ हो चुका है, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो बारिश के बाद एकदम क्लीन साफ सुथरा पूरा हरा भरा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ कल रात। और कल रात जो बारिश पड़ी, और गाइस जो कल रात बारिश पड़ी मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी खतरनाक। तो पूरा रायपुर रोड यानी कि मेन जो ऋषिकेश को कनेक्ट करता है यहाँ से एयरपोर्ट वाला, पूरा रोड ध्वस्त हो गया और इतना खतरनाक वाला लैंडस्लाइड हुआ। अभी मैं आपको पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा उसकी, और हम आगे साइकिलिंग पे जा भी नहीं पाए। मतलब कम से कम 3 जगह हुआ था, क्योंकि लोग बता रहे थे कि 3 जगह हुआ था। तो ऐसे ही चल रहा है आजकल बारिश में, कहीं पर भी कुछ भी हो जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो आप वो क्लिप देखो। और तो गाइस ये देखिए, ये है रायपुर से ऋषिकेश जाने वाली रोड, जो कि है थानों पे, थानों जाने वाली तो मेन रोड है। देखिए यहाँ पे हो चुका है एक लैंडस्लाइड कल, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली तेज़ बारिश भी। देखिए ये वाला पैच पूरा ये ढह के नीचे आ गया है, और अभी ये जेसीबी खुदाई चल रही थी तो यहाँ से पूरा इन्होंने इसे रास्ते से हटाया। इधर भी टूटा हुआ, इधर भी टूट गया पूरा। तो जो भी जाए प्लीज़ ज़रा देख के जाए, ये देखिए। और अभी आगे पूरा जाम लगा पड़ा है, वो देखिए उधर पूरी भीड़ हो रखी है खतरनाक सी। तो चलते हैं आगे, गाड़ियां वापस मुड़ने लगी हैं, लोगों की हिम्मत टूट रही है। ये देखो आज रोड पे इतना पानी भरा है, आए दिन वैसे इस पे इतना पानी नहीं होता, और मेरे जूते भी पूरे खतरनाक वाले गीले। तो आगे चलते हैं, ये है कोठारी, हम निकले थे साइकिलिंग पे। तो देखिए शिव मंदिर है, शिव मंदिर के यहाँ पे वो पूरा टूटा हुआ है। अभी आगे चलते हैं, वहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और ये देखो पूरा जाम ही जाम है। ये देखो गाइस ये भी कितना ज़्यादा तेज चल रहा है आज, ये आए दिन अक्सर ऐसा होता नहीं। और आगे चलते हैं, आगे देख के आते हैं, लोग सक पकाए हुए हैं पूरा। रोक के भाई जी, तो ये देखो गाइस पूरा ये वाला जो पैच है, ये वाला जो है ये पूरा रास्ते में आ गया, यही है मेन रोड और मेन हाईवे, यही है, यहीं से निकलेंगे, यहाँ से भर के अभी पूरा कवर करेंगे और उधर फेंकेंगे। वो देखो वो पूरा टूट गया, शुक्र हुआ कि उधर नहीं गया, वरना वो घर पे भी खतरा आ सकता था। बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई कल तो रात को, बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो अब आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब ये देखो ये है पूरा रास्ता, और ये पूरा ब्लॉक हो चुका है, कोई जाने की स्थिति नहीं है। तो ट्रक भी पूरा वापस हो रहा है, सब लोग सब पकाते हुए देखते हुए। यहाँ से साइकिल क्या पैदल भी नहीं निकल सकते, इतना ज़्यादा कीचड़ हो रखा। शुक्र हुआ कि उस साइड अगर मलबा उस तरफ नहीं गिरा, वरना घरों पे भी खतरा आ सकता था। तो पूरा हफरा तफरी का माहौल है गाइस। तो अभी प्लीज़ आज जो भी आएगा वो ना आए, मतलब आज खैर खुल तो जाएगा ही, अभी 1-2 घंटे में खोल देंगे इसे। तो बस हम भी निकलेंगे यहाँ से, अब हम दूसरे वाले रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि ये तो हो चुका है पूरा रास्ता बंद, और 1-2 घंटे तक निकलता नहीं।
और लोगों के चेहरे पर देखिए क्या उत्साह दिख रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एडवेंचर हो गया पूरा। तो ये हमने इधर साइकिल लगाई थी और देखिए उधर पीछे साइड गए थे हम, तो बस अब चलते हैं इधर से वापस जाएंगे और माल देवता वाली साइड जाएंगे अब। तो चलो, तो गाइस देखिए ये रायपुर जाते हुए जो छोटा सा एक नदी पड़ती है, तो ये भी आज इतनी खतरनाक तरीके से बह रही है। अमूमन इसमें देखा मतलब पानी ही नहीं देखा जाता, ये खाली रहती है, लेकिन आज ये भी चौड़ी हो रही है पूरी। तो आगे तो पूरा रास्ता बंद है और सुनने में आया है कि कम से कम तीन जगह ऐसा हुआ है, तो अब ये टाइम लग के क्लियर होगा। तो अब हम निकलेंगे थानों वाले, ओ सॉरी माल देवता वाले साइड, देखते हैं उधर कहीं ऐसा कुछ हादसा तो नहीं हो रखा। तो चलो चलते हैं।